वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करना, अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर जरूर करना, और यदि ऐसी वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो कार लवर, आज मैं खड़ा हूँ शेवरलेट टवेरा के सामने में। ये दो डीजल मैनुअल टाइप में आती थी, पहला आता था 1945 सीसी, सेकंड आता है जो अभी मैं लेके आया हूँ ये है 2500 सीसी का इंजन टाइप, अब तो बंद हो गई है। ये शेवरलेट के लिए हाथी या घोड़ा जो भी बोलो कम था, क्योंकि शेवरलेट की जान थी ये एक और एक शेवरलेट की क्रूज। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं टवेरा के बारे में। ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है, बट आपको दिखाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको दिखाते हैं कि शेवरलेट अपना कौन सा हाथी या घोड़ा यहाँ पे छोड़ के गया है। इसको सबसे ज्यादा टैक्सी परमिट में लिया जाता था। तो चलिए आइए बात करते हैं आज हम टवेरा के बारे में। चलिए बात करते हैं हम टवेरा के इंजन से, जो कि है 2500 सीसी इंजन। चलिए आइए आपको दिखाता हूँ एक इंजन का ओवरऑल व्यू कि कैसा दिखता था उस समय शेवरलेट का इंजन और कैसी रहती थी इसकी बॉडी टाइप। चलिए आगे बात करते हैं इस वीडियो में। साउंड डालेंगे मामा। उस समय भी गाड़ी के नॉइज अंदर मत जा करके प्रॉपर इंसुलेशन दी रहती थी। ये स्टिक है नॉर्मली, पहले हाइड्रोलिक वगैरह कुछ भी ऐसा होता नहीं था। यहाँ पे हमें मिलते हैं इसकी बैटरी, यहाँ पे फ्यूज बॉक्स आ जाता है जो कि अल्टरनेट और पूरा लाइट के फ्यूज कंट्रोल करता है। ये रहा उस समय का इंजन जो कि शेवरले हमें प्रोवाइड करता था। 2500 सीसी का इंजन आता था उस समय ये। चलिए ये रहा इसका ऑयल गेज वगैरह देखने का, ऑयल क्या है। ये वाइपर की मशीन है। चलिए बूट को बंद करते हैं और आपको दिखाते हैं अब आउटर लुक या इंटीरियर, देखते हैं। सबसे पहले आउटर लुक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें चेचिस नंबर वगैरह दिख जाता था, इंजन नंबर वगैरह। ये इसकी बेल्ट है। चलिए आगे बात करते हैं इस वीडियो में। चलिए बात कर लेते हैं एक्सटीरियर लुक की। यहाँ पे हमें मिलते थे 15 इंची के टायर एंड यहाँ पे अलॉय व्हील नहीं मिलता था। ये साथ में डिस्क कवर बोलते हैं या फिर रिम कवर भी बोलते हैं, पूरा प्लास्टिक का रहता है। देखिए ब्रिजस्टोन के हैं, 3390, 205, 65 आर 15 की इसमें बैजिंग दी गई है। ये रहे इसके इंडिकेटर। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए चढ़ने के लिए हमें फुटरेस्ट भी दिया जाता है। यहाँ पे इसको आप आराम से चढ़ सकते हैं, इसमें बहुत हेवी रहता है ये। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके डीजल टैंक की कैपेसिटी की। इस पर हमें 55 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है डीजल की। ये रहा इसका स्लाइड लुक, ऐसी दिखती है हमें टवेरा। चलिए अब बात करते हैं इसके बैक साइड की। ये रहा टवेरा का बैक लुक। ये रिस्टोर की गई है एक बार। यहाँ पे हमें स्टेपनी दी जाती है जो कि अंदर से ऑपरेट की जाती है। यहाँ पे सस्पेंशन में पट्टे का यूज किया जाता है, नॉर्मल सी लाइट रहती है इसमें। ये रहा डिग्गी ओपन करने का, इसमें डिग्गी तो क्या ही रहेगी, 7 सीटर है। यहाँ पे पीछे में आराम से 4 जन बैठ सकते हैं। ये रहा इसका डोर, इसमें कोई स्पीकर वगैरह नहीं आता है। यहाँ से स्टेपनी अपन ओपन कर सकते हैं। चलिए आपको बैठ के दिखाता हूँ यहाँ पे बैठना कितना इजी रहता है। यहाँ पे हैंडल दिया जाता है, इसको पकड़ के अपन यू तरीके से बैठ सकते हैं। मैं एकदम लास्ट में हूँ यहाँ पे, फिर भी एक बंदा आराम से आ सकता है, दो इधर दो उधर। यहाँ पे 4 जन आराम से प्रॉपर तरीके से बैठ सकते हैं। यहाँ पे लाइट दी गई है जो कि अभी बंद है, इग्निशन ऑफ है इसलिए। यहाँ पे एक हैंडल, ये 4 हैंडल दिए जाते हैं टोटल यहाँ पे। यहाँ पे हमें कोई विंडो ओपन करने का नहीं देता, लेकिन ये लॉक टाइप दिया जाता है। इसको अपन ऐसा पुल करेंगे तो विंडो थोड़ी ओपन हो जाती है और ये लॉक हो जाता है इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा सा गेप आ जाता है, ये आपको दिख रहा हो, ये देखिए। और ये लॉक को खींचने के बाद बंद हो जाता है, इसे इधर लॉक कर दिया जाता है। सेम अपोजिट साइड भी वैसा ही है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं इसके इंटीरियर में, मिडिल रूम में। चलिए अब आते हैं अपन इसके मिडिल रूम में। मिडिल रूम में भी बैठना उतना ही आसान है ये मैं तो। अब मिडिल रूम में हम जैसे एंटर करेंगे हमें मिल जाता है फर्स्ट एक लाइडिंग चढ़ने के लिए, उसके बाद में मिलता है ग्रैब हैंडल। इसे यू पकड़ के आराम से चढ़ा जा सकता है। यहाँ पे इतनी स्पेस बचती है और दो बंदे प्रॉपर तरीके से आ सकते हैं, मैं 4 पीछे 3 आगे आराम से इजीली बैठ सकते हैं। ये हैंडल्स दिए गए, यहाँ पे हैंडलों की कोई कमी नहीं थी।
आती ही थी यार ये सर्वले का, जाना नहीं था सर्वले को। यहाँ पे एक एलईडी स्क्रीन मिलती है, लाइट्स मिल जाती है जो कि सामने ब्लूटूथ से कनेक्ट रहती है। उस समय भी एलईडी स्क्रीन देते थे, आजकल तो कोई देता ही नहीं है आजकल की गाड़ियों में। अब बात करें यहाँ पे डोर की, मैं आपको इस साइड में दिखाता हूँ। ये लॉक अनलॉक का ऑप्शन दिया जाता है विंडो अप एंड डाउन का, इसको अनलॉक करके ये ओपन किया जाता है एंड खींचने बंद करने के लिए ये डायरेक्ट बंद हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं अपन फ्रंट साइड की, मीन्स को पैसेंजर ड्राइवर साइड एंड ड्राइवर साइड की। चलिए ये इसका लॉक है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है बट बुलेरो के मुताबिक थोड़ा छोटा है, लेकिन मिरर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है इस कार के हिसाब से। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके ड्राइवर साइड की। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डोर के बारे में बता दूँ। नॉर्मल लॉक अनलॉक, ये विंडो अप एंड डाउन का आता था, ये स्पीकर, ये बॉटल होल्डर तो नहीं आती थी इसमें बॉटल, बट नैपकिन वगैरह आराम से इजीली आ जाती थी। अब बात करते हैं इधर में, नॉर्मल जैसा गाड़ियों में रहता है ब्रेक क्लच और एक्सलेटर। यहाँ से बूट ओपन का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्विचेस लगाना अपने को कोई चीज़ की, क्योंकि ये मॉडिफाई हो जाती थी आराम से, कहीं पे भी कट कुट हो जाता था इसमें, तो यहाँ पर एक स्विच लगा सकते हैं। ये रहा इसके एसी वेंट्स एंड ये एक स्विच एक्स्ट्रा अपन ने फॉग लाइट के लिए लगाया गया था यहाँ पे। ये रहा इसका इंडिकेटर यहाँ पे। उस समय भी यार देखो फुटरेस्ट आराम से दिया जाता था, ताकि अपन लॉन्ग जर्नी करें या फिर कुछ करें तो अपने लेग को कुछ प्रॉब्लम ना हो करके, क्योंकि उस समय जनरली ये बुकिंग बोलो या फिर शादी के ऑर्डर्स के लिए ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती थी टवेरा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर में कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि आज की गाड़ियों में भी बहुत ज़्यादा मिसिंग है। सबसे पहले तो ये फुटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा तो नहीं मिलता, कुछ कुछ गाड़ियों में ही मिलता है। यहाँ पे एसी वेंट्स, ये एक एसी वेंट रहा, उधर साइड में भी एसी वेंट्स है। उस समय यहाँ पे कोई एयरबैग नहीं आता था, ये हॉर्न की बटन मिलती है। ये रहे इसके स्विच, नॉर्मल बाइक जैसी ही है, कोई इसमें लॉक वगैरह सेंटर लॉकिंग या चिप वगैरह कुछ नहीं आता। यहाँ पे एक लॉक करने पे स्टीयरिंग अनलॉक होता है, सेकंड में इग्निशन ऑन हो जाता है। ये रहा इसका स्पीडोमीटर, यहाँ पे हमें कितने किलोमीटर चली है प्लस बैटरी वगैरह का ऑप्शन। यहाँ पे हीटिंग का ऑप्शन दिया जाता है इधर साइड में, यहाँ पे फ्यूल कैपेसिटी बताता है। ये इससे इंडिकेटर का है लेफ्ट, नॉर्मल गाड़ियों से ऐसा ही है, कोई ज़्यादा ऐसा हैवी नहीं है कि उस समय ज़्यादा ही कुछ था। ये इसके वाइपर कंट्रोल्स, ये रहा इसमें पाइनियर का लगा हुआ है साउंड सिस्टम। इसके हैजार्ड लैंप की लाइट यहाँ पे दी गई है, शायद कोई बैटरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऑन नहीं हो रहा। यहाँ पे लाइट एडजस्टिंग का ऑप्शन दिया गया है। ये रहा इसके एसी कंट्रोल, ये रहा इसके एसी कंट्रोल, यहाँ से एसी ऑन ऑफ होती है, यहाँ से हीटर, इसके एसी वेंट। यहाँ पे पहले बड़ा वाला जो साउंड सिस्टम आता था डिजिटल वाला, वो लगा सकते थे, उसका ऑप्शन दिया जाता था। ये रहा नॉर्मल मिरर, कोई इसमें कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल ही है। यहाँ पे टिकट होल्डर दिया जाता था उस समय, यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं था इस साइड में, बट दिया जाता था। ये रहा इसका ग्लव बॉक्स, एक दो पार्ट में एसी वेंट, पावर विंडो। यहाँ पे इतनी बड़ी सीट है ये कि यहाँ पे भी दो लोग आराम से आ सकते थे, पीछे में चार, बीच में तीन, सामने में दो और एक ड्राइवर। ये इसके लिए हैंडल, सीट बेल्ट, ये भी हैंडल है। चलिए अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की और वीडियो एंडिंग पार्ट की। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करना, अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर जरूर करना, और यदि ऐसी वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। को सबसे ज़्यादा जर्नी या फिर शादियों की बुकिंग के लिए लिया जाता, जो कि बारात लेके जाते थे, इधर तो होता है आपकी तरफ पता नहीं, तो इसे 9 सीटर यूज़ किया जाता था। यदि उस समय सबसे सही तरीके से बोला जाए तो बुलेरो के बाद में सेकंड ऑप्शन यही बच जाता था सर्वले की टवेरा, बट सर्वले तो अब इंडिया छोड़ के चले गई है। यदि अभी भी सेकंड हैंड मिल जाती है तो सबसे बेस्ट कार है, सेकंड हैंड प्राइस 1.5 लाख के आसपास आराम से मिल जाती है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।